ब्रजभूषण शरण सिंह मामले में नार्को टेस्ट की एंट्री हो चुकी है। ब्रजभूषण ने भी कबूल कर लिया कि नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। विनेश और बजरंग पुनिया ने भी कबूल कर लिया कि यहां पर नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। लेकिन इन सब के बीच कहा जा रहा है कि नार्को टेस्ट से पहले पुलिस इस कोशिश में है कि यहां पर बड़ा कोई सबूत जुटा लिया जाए जिसके दम पर ब्रजभूषण की ऐसी गिरफ्तारी हो सके जो कुछ समय की हो और उनके बाद यहां पर बड़ा शिकंजा ना कसा जाए। दरअसल अब आप समझने की कोशिश करिएगा, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नार्को टेस्ट की मांग की गई, ब्रजभूषण ने कबूल कर ली। लेकिन मान लीजिए कि एक बार को ब्रजभूषण निर्दोष रहे तो वो तो सीधे सीधे तौर पर बरी हो जाएंगे और फिर पहलवान फंस जाएंगे। लेकिन दोनों पहलू लेकर चले तो अगर ब्रजभूषण शरण सिंह निर्दोष नहीं रहे और दोषी पाए गए तो ब्रजभूषण लंबे समय के लिए जेल जाएंगे, ये बात तय कर लीजिए। लेकिन अगर कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसा चश्मदीद गवाह सामने आ जाता है जो ऐसी बातें कर देता है जिसमें ब्रजभूषण को 5-6 महीने या 1 साल की सजा या कोई आसपास की छोटी सजा सुना दी जाए तो पुलिस शायद उसमें कामयाब हो जाए। लेकिन अगर यहाँ पर नार्को टेस्ट में यहाँ पर दोषी पाए गए तो बहुत लंबे समय तक के लिए जेल में जाएंगे, क्योंकि इसमें एक नाबालिग भी है, ये याद रखें, नाबालिग महिला पहलवान भी है इसमें। और आप जानते हैं कि जब भी किसी नाबालिग के साथ ऐसा कुछ होता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, तो देश ऐसे लोगों का साथ क्या करते हैं। तो मान सम्मान पूरा ठेस पहुंच जाएगा ब्रजभूषण का, और साथ ही साथ जो इज्जत अभी तक कमाई थी वो सारी बिखर जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर दिल्ली पुलिस इनको गिरफ्तार करके पूछताछ करती है, सबूत के आधार पर कुछ समय के लिए हिरासत में डाल देती है, तो शायद ये मामला अलग तरीके से तूल पकड़े, इस मामले में नया मोड़ आ जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर सबूत जुटाने की कोशिश में दिल्ली पुलिस लगी है। चाहती तो वो भी पहले नार्को टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट या पॉलीग्राफी टेस्ट करा सकती थी, लेकिन इस मामले पर सबसे पहले यहाँ पर सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है ताकि लंबे समय के लिए, अगर यहाँ पर चाहे तो लंबे समय के लिए गिरफ्तारी हो या फिर कम समय के लिए। अब आपकी राय क्या है इस मामले पर, अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।